देखिए कितने बड़े बड़े सेटअप्स हैं ना माशाल्लाह। और थोड़ा सा मैं जूम करूँ अंदर, नज़र आएगा सामने, देखिए कितना बड़ा हॉल है, अपस्टेयर्स भी है सेटअप्स के साथ। उसके अलावा ये कि काफ़ी सारे ब्रांड्स ने डिस्काउंट्स भी अनाउंस कर रखे हैं। इवन दो देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है, और बहस 1 2 3 4 5, और ये मेरी गाड़ी मिला के 6 गाड़ियाँ खड़ी हैं। और अंदर देखिए मॉल्स के अंदर कोई आते जाते कस्टमर नज़र नहीं आ रहे। ये सामने 1 2 3 बस इतने ही हैं, और लाइक डिस्काउंट्स के बावजूद तो ठीक है, महंगाई तो है, अल्लाह इन्हें भी कामयाब करे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। ये सामने तो बल्कि 50% अप टू छोटा सा लिखा होगा साथ, और ये इट डजंट मीन के 50% सारे उसके चीज़ों पे है, अप टू लिख बारीक सा लिख देते हैं साथ, तो 10 से शुरू होता है। मगर ये कि वो सामने फ्लैट 30% भी है, और एक ब्रांड जो सामने की नज़र आ रहा है उन्होंने उस सामने तो नहीं लिखा हुआ कि कितना है डिस्काउंट, वो आगे वालों ने भी लिखा हुआ। नाम मैं इसलिए नहीं ले रही कि लाइक कोई पेड तो नहीं कंटेंट मैं कर रही, मैं तो बस आवाम में से हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि देखिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना इस तरह के बिज़नेस के लिए, मगर कस्टमर किधर है। अच्छा, इसका एक ये भी है लेकिन कि कस्टमर महंगाई की वजह से डेफिनेटली कम है, मगर अब क्या है कि इन ब्रांड्स को भी थोड़ी प्राइसेस अपने कम करना पड़ेंगी, डिस्काउंट्स भी लगाने पड़ेंगे तो, मगर ये कि प्राइसेस भी डाउन साइड पर करना पड़ेंगी ताकि लोग, इन्होंने जो चीज़ें तैयार की हैं वो लोग इनसे ख़रीद भी लें, इधर ही पड़े पड़े पुरानी ना होती रहे ना। यानी कि हर बात के पीछे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खैर का पहलू भी निकल ही आया करता है।